मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को। इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। एक घड़ा शराब का एक जग उनकी एक जांग पर था और एक जवान औरत दूसरी जांग पर। उन्होंने बस देखा, दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। ये परशुराम के लिए एक प्रदर्शन था, क्योंकि वे जबरदस्त क्षमताओं वाले मनुष्य हैं। योग की कुछ परंपराओं में वे योगियों को तीन श्रेणियों में बांटते हैं। इन्हें मंद, मध्यम और उत्तम के रूप में जाना जाता है। मंद योगी मतलब उन्होंने ये जान लिया है कि चेतन होना क्या होता है। उन्होंने सृष्टि के स्रोत को जान लिया है, उन्होंने एकत्व जान लिया है, लेकिन वे दिन भर उस स्थिति में नहीं रह पाते। उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है। जब वे खुद को याद दिलाते हैं और जागरूक होते हैं, तो वे उस स्थिति में होते हैं। जब वे जागरूक नहीं होते, तो वे पूरा अनुभव खो देते हैं। कोई भी प्रयास करके 24 घंटे चेतन नहीं रह सकता। अगर आप चेतन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर आप इसे कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक बनाए रख पाते हैं, तो यह बड़ी चीज है, वरना यह ध्यान यहां वहां भटकेगा। तो योगी के पहले चरण को मंद कहा जाता है, योगी के दूसरे चरण को मध्यम कहा जाता है, जिसका मतलब है मध्य स्थान। वे लगातार बोध पाते हैं, लेकिन भीतरी आयाम और जो परे है वो बोध में है, पर जो यहां है वे उसे संभाल नहीं पाते। आपने भारत में होने की वजह से बहुत से योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन वे अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ थे। उनमें से कई योगियों को उनके जीवन के कुछ चरणों में खाना खाने और टॉयलेट जाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता था। उस चीज की भी देखभाल करनी पड़ती थी। वे असहाय शिशुओं जैसे हो गए थे, लेकिन अपने भीतर वे एक शानदार स्थिति में थे। पर वो जितनी भी शानदार हो, आप उस स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक दुनिया से अलग हो जाने पर आप भौतिक शरीर में नहीं रह सकेंगे। अगर आपको अपना भौतिक शरीर बनाए रखना है, तो आपको भौतिक दुनिया में किसी प्रकार से काबिल होना जरूरी है, वरना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। योगी का तीसरा चरण वो जो परम है, उसका निरंतर बोध पाता है और साथ ही बाहरी दुनिया के भी पूरे तालमेल में होता है, इस हद तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वाकई योगी है या नहीं। दत्तात्रेय, आपने दत्तात्रेय के बारे में सुना है? दत्तात्रेय, ओह, ये अच्छी बात है, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ और दत्तात्रेय को हैव बीन हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट योगीज इन द ट्रेडिशन, इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। बाकी सभी आत्मज्ञानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ बिकॉज ऑफ द वे ही एग्जिस्टेड, वे इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। दत्तात्रेय के बारे में उनके आसपास के लोग कहते थे कि वे शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों का एक साथ अवतार हैं।
ये लोगों का तरीका है उनके बारे में बताने का। जब उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कोई चीज देखी कि वे इंसानी रूप में तो हैं लेकिन कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अमानवीय हैं, पर इंसान निश्चित रूप से नहीं थे। तो जब उन्होंने ऐसे गुण देखे तो वे उनकी तुलना सिर्फ शिव, विष्णु और ब्रह्मा से करने लगे। वे बोले, ये इन तीनों का अवतार हैं। तो आप देखेंगे कि दत्तात्रेय की कुछ तस्वीरों में तीन सिर होंगे क्योंकि वे तीनों का अवतार हैं। दत्तात्रेय बहुत ही रहस्यमय जीवन जीते थे। जो पंथ उनसे शुरू हुआ वो आज भी कुछ चीजों का पालन करते हैं, वो एक शक्तिशाली पंथ है। आपने निश्चित रूप से कानफटों के बारे में सुना होगा। वे दत्तात्रेय को पूछते हैं, आज भी वे काले कुत्तों के साथ घूमते हैं। दत्तात्रेय के आसपास हमेशा काले कुत्ते होते थे, बिल्कुल काले। मैं कुत्तों के विषय में बात नहीं करूंगा, इसके बारे में बहुत सी चीजें हैं। उन्होंने एक निश्चित तरीके से कुत्तों का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, अगर आपके घर में कुत्ता हो तो उसका बोध आपसे थोड़ा ज्यादा होता है, हाँ या ना? सूंघने में, सुनने में, देखने में वो आपसे थोड़ा बेहतर लगता है। तो दत्तात्रेय कुत्तों को अलग स्तर पर ले गए और उन्होंने वे कुत्ते चुने जो पूरी तरह से काले थे। आज भी कानफटों के पास ऐसे कुत्ते होते हैं, वे उन्हें चलने नहीं देते, उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, बड़े कुत्ते, क्योंकि ये दत्तात्रेय का पालतू जानवर था तो वे उनके साथ विशेष व्यवहार करते हैं। 200 पीढ़ियों के बाद भी जो उन्होंने तय किया आज भी वैसा ही है। वे आज भी आध्यात्मिक खोजियों के सबसे बड़े पंथों में से एक हैं। जब परशुराम, कुल्हाड़ी मारने वाले इंसान, उन्हें जो भी दिखा उन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया, अपनी माता को भी। एक बहुत ही ज्यादा अस्थिर भावनाओं वाला इंसान, कई तरीकों से युद्ध में हिस्सा लिए बिना ही परशुराम ने कुरुक्षेत्र युद्ध का भाग्य तय कर दिया था। उन्होंने कर्ण को शुरू से ही उस तरह बनाया था, उनमें जबरदस्त क्षमताएं थीं, पर उनकी अस्थिर भावनाएं उन्हें परम तत्व का बोध जीवन के हर पल में नहीं होने देती थी। वे बोध पाते थे और खो देते थे, ऐसा चलता रहा, और ज्यादातर वे बोध खो देते थे। तो वे कई सारे गुरुओं या शिक्षकों के पास गए। जब उन्होंने देखा कि उनके पास वो नहीं है जिसकी उन्हें तलाश है तो उन्होंने उन्हें मार दिया। हां, और फिर वे दत्तात्रेय के पास आए। लोगों ने उन्हें बताया, दत्तात्रेय आपके प्रश्नों का उत्तर है। वे आए, कुल्हाड़ी अब भी साथ थी। जब वे दत्तात्रेय के स्थान की ओर आ रहे थे तब कई आध्यात्मिक साधक इकट्ठा हुए थे। वे उनके आश्रम को देखकर यह कहते हुए भागने लगे कि यह कोई आध्यात्मिक जगह नहीं है। जब परशुराम दत्तात्रेय के निवास के अंदर गए, उन्होंने देखा वहां एक इंसान बैठा था, एक घड़ा, शराब का एक जग उनकी एक जांघ पर और एक जवान औरत दूसरी जांघ पर। वे बस देखते रहे। दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। परशुराम ने उन्हें देखा और अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार नीचे रखी और उन्हें
प्रणाम किया, बाकी सभी चले गए। जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, शराब का घड़ा और औरत गायब हो गए। दत्तात्रेय बस वहीं बैठे थे और उनका कुत्ता उनके चरणों में था। परशुराम को अपनी मुक्ति दत्तात्रेय से प्राप्त हुई। ये परशुराम के लिए एक प्रदर्शन था, क्योंकि वे जबरदस्त क्षमताओं वाले मनुष्य हैं, लेकिन ये क्षमता क्रोध में प्रकट हो रही है, अस्थिर भावनाओं के रूप में प्रकट हो रही है, जिससे हमेशा नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है। जबरदस्त शक्ति नकारात्मक रूप में व्यक्त हो रही है। तो दत्तात्रेय ने एक तरह का जाल रचा, और जब परशुराम शराब और औरत से और उनके नशे से परे देख पाए, और साथ ही ये भी देख पाए कि दत्तात्रेय परम तत्व के निरंतर संपर्क में है, उस पल उनका बोध खुल गया। अगर उनमें जीवन भर इतना बोध होता तो बहुत से लोग कुल्हाड़ी से बच जाते हैं।